वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। सो आज आप खुद से ही मेकअप घर पे स्टेप बाय स्टेप सिंपली इजी वे में मेकअप कैसे कर सकते हो आज मैं आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। भाभी आपको आज दिखाने वाली है, तो चलिए मेकअप सीखते हैं। सो सबसे पहले आप वेट वाइप से अपना फेस क्लीन कीजिए ताकि जो भी डस्ट हो वो क्लीन हो जाए। इसके बाद ये गुलाब जल है, तो फेस पे इस तरह से टैप टैप करके आपको गुलाब जल लगानी है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो, तो 2 मिनट वेट कीजिए ड्राई होने तक। अब यहाँ पे पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्चराइज़र कंपलसरी लगाना होता है मेकअप के लिए, इसे स्किप नहीं किया जा सकता, ताकि आपका जो भी फेस है वो मॉइस्चर रहेगा, ड्राई नहीं होगा। तो इस तरह से फेस को मॉइस्चराइज़र क्रीम लगाना है। इसके बाद प्रो का कंसीलर यूज़ किया जा रहा है, तो प्रो का कंसीलर हाईलाइट पे लगाना है ताकि जो भी डार्कनेस है वो छुप जाए। तो दोनों साइड कंसीलर लगाना है और स्पंज के हेल्प से इसे स्मच करना है। तो देखिए धीरे धीरे करना है आपको। हुडा का प्राइमर यूज़ कर रहे हैं, तो अब प्राइमर लगाना है फेस पे, पूरे फेस पे इस तरह से प्राइमर हाथ से अच्छे से टैप टैप करके लगा लेना है। उसके बाद आईज़ पे जो हम लोग ने कंसीलर लगाया है उस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है ताकि वो सेट हो जाए, और एक्सेस पाउडर जो है ब्रश के हेल्प से हटा देनी है। इसके बाद आपके फेस पे जहाँ जहाँ पिंपल्स हो या कोई दाग हो उसके ऊपर ऑरेंज कलर का प्रो का कंसीलर लगाना है ताकि कवरेज मिले। तो इस तरह से टैप टैप करना है। और ये मेकअप पैलेट है, तो यहाँ पे हम पिंक कलर का शेड यूज़ करने वाले हैं आईलाइट पे। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से आपको आईलाइट पे पिंक कलर का आई शेडो लगाना है, तो अच्छे से स्मच करना है। दोनों आईज पे सेम कलर यूज़ करना है और ब्रश के हेल्प से इसे अच्छे से स्मच करके लगा लेनी है। आई शेडो के ऊपर हम गोल्डन कलर का सिमर यूज़ करेंगे क्रीमी शेड में। तो देखिए गोल्डन कलर गोल्डन शेड लगा रहे हैं आईज़ के ऊपर, दोनों आईज़ पे लगाने हैं, और अंडर आईज़ के नीचे ब्रश के हेल्प से एक्सेस पाउडर जो भी गिरा हो उसे हटा लेनी है। अब हम यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आप ब्रश के हेल्प से भी लगा सकते हो और स्पंज के हेल्प से भी लगा सकते हो। तो स्पंज से ईजी में ब्लेंड हो जाता है, तो अगर बिगिनर हो तो आप स्पंज ही यूज़ कीजिए। देखिए फेस कितना स्मूथ लग रहा है। और इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाना है और उसके बाद ब्लश लगानी है चीक बोन के ऊपर, और यहाँ पे ब्लश लगाना है पिंक कलर का, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है पिंक शेड। तो दोनों चीक बोन के ऊपर ब्लश लगाना है और थोड़ा सा नाक के ऊपर भी ब्लश लगा लेनी है। तो आईज़ के कॉर्नर में यहाँ पे गोल्डन कलर गोल्डन शेड लगाया जा रहा है, और चीक बोन के ऊपर जहाँ पे हम लोग ने ब्लश लगाया उसके ऊपर गोल्डन शेड लगानी है, और अच्छे से ब्रश के हेल्प से स्मच कर लेनी है। तो यहाँ पे हुडा का पिंक शेड यूज़ किया जा रहा है लिपस्टिक। उसके बाद जहाँ हम लोग ने आईज पे आईलेरन लगाया था उसके ऊपर गोल्डन कलर का आईलेरन लगा सकते हो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे गोल्डन कलर का आईलेरन लगाए हैं, तो देखिए आईज़ कितनी सुंदर लग रही है। ब्रश के हेल्प से आईब्रोज़ को सेट कर लेना है और आईब्रो पेंसिल से आईब्रोज़ को फिलअप कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से फिलअप करना है, और उसके बाद ब्रश से एक बार फिर से सेट कर लेनी है। इसके बाद आप स्टिकर लगा लीजिए कोई भी मनपसंद, और काजल लगा लीजिए। लैक्मे का यहाँ पे काजल यूज़ किया है वाटरप्रूफ, और अपना ज्वेलरी वेयर कीजिए। तो देखिए कितना सुंदर लगेगा, पार्टी वेयर हो या शादी में हो या फंक्शन में, आप इस तरह से घर पे ही तैयार हो सकते हो। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।